गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर वीडियो. टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आर चैप्टर नंबर 5, दैट इज एनिमल्स. स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैव डन पार्ट डी क्वेश्चन आंसर एंड टुडे वी विल डिस्कस पार्ट ई. आई हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दिस पार्ट ई इन शॉर्ट क्वेश्चंस. पार्ट ई जो आपकी साइंस बुक में है उसको शॉर्ट क्वेश्चंस में कन्वर्ट मैंने कर दिया है. ओके, यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चंस एंड लर्न दिस क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, नेम टू एनिमल्स लिविंग इन सॉल्टी वाटर. कोई टू एनिमल्स के नाम बताइए जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं. सॉल्टी मीन्स नमकीन, नमकीन पानी, जैसे समुद्र, झील जो होती हैं, जो जिनका पानी खारा होता है, नमकीन होता है. तो उस पानी में रहने वाले कोई टू एनिमल्स के नेम बताने हैं. आंसर, स्टारफिश, शार्क, व्हेल, टर्टल. दीज आर द नेम ऑफ सम एनिमल्स दैट लिव्स इन सॉल्टी वाटर, जो खारे पानी में, नमकीन पानी में रहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, नेम टू एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. कोई टू एनिमल्स के नेम बतानी है विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड, जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. लैंड के ऊपर भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं. ऐसे टू एनिमल्स कौन से हैं? आंसर, फ्रॉग, टर्टल, टॉड, क्रोकोडाइल. These are the name of 4 animals: frog, turtle, toad, crocodile. ये 4 animals ऐसे animals हैं जो land, जमीन पर भी रहते हैं और water के अंदर भी रहते हैं. Question 3, which animal is considered as an intelligent animal? Intelligent, कौन सा animal intelligent animal माना जाता है? किसको intelligent animals बोलते हैं? आंसर इज डॉल्फिन. डॉल्फिन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल. डॉल्फिन इंटेलिजेंट एनिमल क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमंस की ट्रिक्स, ह्यूमन के साथ गेम्स अच्छे से प्ले कर लेती हैं. उनके ट्रिक्स जैसे जंप करना वाटर के अंदर, तो ये ईजली सीख जाती है. ओके, तो डॉल्फिन एक इंटेलिजेंट एनिमल है. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर द कैमल स्टोर इट्स फूड. वेयर द कैमल स्टोर इट्स फूड. कैमल अपना फूड कहाँ स्टोर करता है? आंसर, कैमल स्टोर इट्स फूड इन इट्स हम्प. कैमल अपनी हम्प के अंदर अपना फूड स्टोर करके रखता है. हम्प, कैमल की बॉडी पर कुछ एक ऐसा बॉडी पार्ट उसका होता है जिसे हम्प बोलते हैं. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ कैमल. ओके, फाइंड दिस एनिमल लिविंग ऑन लैंड. वो कौन से एनिमल्स हैं जो लैंड पर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनिमल लिविंग ऑन लैंड, लैंड पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं? टेरिस्ट्रियल एनिमल्स. लैंड पर मीन्स जमीन पर रहने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं? टेरिस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स लिविंग इन वाटर, वाटर में रहने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. वाटर में रहने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. अ प्लेस वेयर एनिमल लाइव, जहाँ पे एनिमल रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट. एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? हैबिटेट. हैबिटेट मतलब रहने की जगह, जो जहाँ पे रहते हैं उसको उनका हैबिटेट बोलते हैं. ओके, एन एनिमल हैविंग वेब्ड फीट. वो कौन सा एनिमल है जिसके वेब्ड फीट हैं? वेब्ड मीन्स गद्देदार. तो किस एनिमल के फीट वेब्ड फीट हैं? कैमल. कैमल के फीट वेब्ड फीट हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ये स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैमल. And this part, it is known as hump of camel. ये जो ऊपर से थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, ऊपर ऊंचा उठा हुआ कैमल का जो पार्ट होता है उसको कैमल का हम्प बोलते हैं.
ओके और कैमल इस हम्प के अंदर ही अपना फूड स्टोर करके रखता है, ओके डैट्स वाई कैमल बहुत दिनों तक फूड और पानी के बिना रह सकता है, ओके क्लियर स्टूडेंट, दिस पार्ट इज नोन एज हम्प, इसी को हम्प बोलते हैं, ओके आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स डे यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न दिस क्वेश्चन साइड बाय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।